सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का अज विस्तार हो चुका है। 43 मंत्री ने सहुं चुकी है। शाम 6 बजे हुए सहुं चुक समागम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव चंद्रशेखर, नारायण तातू राणे, सर्बानंद सोनेवाल, डॉक्टर वरिंदर कुमार, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्वनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण जीजू, राजकुमार सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया का नाम शामिल है। इस तो इलावा भुपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, सत्यपाल सिंह बघेल, शोभा कंदलजे, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट ने भी मंत्री के अहुदे की सहुं चुकी है। जानकारी मुताबिक कुल 10 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का अज विस्तार हो चुका है। 43 मंत्री ने अज सहुं चुकी है। इस तो पहला 12 मंत्री ने इस्तीफे दे दिए सन, जिन्हों च प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, देवोश्री चौधरी, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, राव साहब दानवे पाटिल, सदानंद गौड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन, रतन लाल कटारिया, प्रताप सारंगी शामिल ने। एक सूत्र मुताबिक सिख्या मंत्री रमेश निशंक ने सेहत संबंधी कारणों का हवाला देंदे हुए इस्तीफा दिता है। निशंक अप्रैल च कोविड-19 तो पीड़ित हुए सन। ठीक होने तो बाद उन्होंने जून में मुड़ सेहत संबंधी समस्यावां कारण एम्स दाखिल होना पड़ा। उधर कांग्रेस ने केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार उत्ते दावा किया कि केंद्रीय कैबिनेट का नहीं सगों सत्ता की भुख का विस्तार है। पार्टी के मुख्य बुलारे रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि जेकर कामकाज ते शासन नूं आधार बनाया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने कई मंत्री अहुदे तो हटा दिए जाने चाहिए ने। उन्होंने पत्रकार नाल गलबात करदे कहा कि कैबिनेट का विस्तार नहीं सगों सत्ता की भुख का विस्तार है। हिमाचल कैबिनेट की अज अहम बैठक हुई, जिस मंत्री ने अहम फैसले लाए। विधानसभा का मानसून सैशन 2 अगस्त तो 13 अगस्त तक चलेगा। 3वीं, 5वीं, 8वीं जमात च पास फेल का सिस्टम लागू होगा। अगले हुक्मां तक स्कूल बंद रहेंगे। नवी सिक्ख्या नीति तहत सिस्टम लागू होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों सख्ती लागू करने के हुक्म दिए गए हैं। UG के पहले और दूजे साल के विद्यार्थी प्रमोट होंगे। यूनिवर्सिटी से 16 अगस्त तो सिक्ख्या सैशन शुरू होगा। 16 अगस्त तो हिमाचल यूनिवर्सिटी से दाखिले शुरू होंगे। बिहार सरकार ने 12 जुलाई तो सारे विद्यक अदारों खोलने की मंजूरी दी है। इन्ना ही नहीं, 12 जुलाई तो 11वीं और 12वीं क्लास के स्कूल भी 50% हाजरी नाल खोले जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल उत्ते इस गल की घोषणा की है। उन्होंने लिखा कि कोरोना स्थिति की समीक्षा करने तो बाद सारे सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों को पहला वांग खोलने का फैसला लिया गया है और जिन्होंने टीका लगवाया वो दफ्तर च दाखिल हो सकेंगे। कोरोना की विनाशकारी दूजी लहर तो बाद मामले घट होते ही लोग बेपरवाह होकर घूमन निकल पे ने। शिमला, मनाली और मुंबई की दादर मार्केट दी तस्वीर इस लापरवाही की कहानी खूब बयान कर रही ने। इस दरमियान केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की कि कोरोना अजे खत्म नहीं होया, लोग जेकर सावधानी नहीं बरतणगे और कोरोना नियमों का पालन नहीं करनगे तो छूट खत्म कर दी जाएगी। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरियंट इंसानों के नाल नाल हुण जानवरों लई भी जानलेवा साबित होता जा रहा है। मई च चेन्नई के एक पार्क च कोरोना पीड़ित मिले 6 शेरां विच जीनोम सीक्वेंसिंग तो डेल्टा वेरियंट की मौजूदगी का पता लगे। देश च पहली बार 9 एशियाई शेरां विच वेरियंट मिले, जबकि 2 शेरां की वायरस ने जान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र च होने वाली पंचायत चोणों नूं मुलतवी करन तो मंगलवार को इनकार कर दिता। जस्टिस AM खानविलकर की प्रधानगी वाली बेंच ने सूबा चोण कमिशन नूं कोरोना प्रोटोकॉल अनुसार अते लॉकडाउन के हालात नूं ध्यान विच रखते हुए चोणां करवाउण दी इजाजत दिती है। जस्टिस खानविलकर ने कहा है कि कमिशन नूं संविधान ते कानून वल्लों इह संविधानिक जिम्मेवारी दिती गई है कि उह तय समां हद अंदर चोणां करवाए। पछमी बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार नौजवानों विचाले फुटबाल नूं बढ़ावा देने लई खेला होवे दिवस मौके 50,000 फुटबालां वंडेगी। एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी दी, अजे खेला होवे दिवस की तरीक तय नहीं की गई है। खेला होवे विधानसभा चोणां विच TMC का राजनीतिक नारा सी, इसने बंगाल के वोटर नूं आकर्षित किया। अधिकारी ने कहा कि खेला होवे दिवस मौके मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी जोए ब्रांड के फुटबाल वख-वख क्लबां नूं देवेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय सिनेमा के दिग्गज अदाकार दिलीप कुमार के देहांत उत्ते सोग प्रगट किया है। इमरान ने कहा कि वह दिलीप कुमार की दयालता को कदे भी नहीं भुल पाएंगे, जो उन्होंने उनकी मां की याद में कैंसर अस्पताल बनाने लिए धन जुटाने में मदद करके विखाई थी। दस दिए कि भारतीय सिनेमा के दिग्गज अदाकार दिलीप कुमार का अज सवेरे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में देहांत हो गया। 98 साल दिलीप लंबे समय तो बीमार सन।
पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अदाकार दिलीप कुमार के देहांत उत्ते दुख का प्रगटावा किया है, जो लंबी बीमारी उपरांत अज सवेरे मुंबई विखे चल वसे। वह अपने पिछे पत्नी अदाकारा सायरा बानो छड़ गए ने। एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का महानायक करार दिता, जो देश में ही नहीं सगों विश्व भर में लखां लोगों के दिलों की धड़कन सन। बॉलीवुड में उन्होंने अथाह योगदान हमेशा चेते रखा जाएगा। भारतीय फिल्म जगत के उभरते कलाकारों को सदा ही प्रेरित करते रहेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाल मुलाकात करके उन्होंने पंजाब में दो होर सैनिक स्कूल स्थापित करने की प्रवानगी देने की अपील की है। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि फौजी सम्मान और बहादुरी पुरस्कार लिए पंजाब भारत का मोहरी सूबा रहा है। होरना सूबों के मुकाबले पंजाब के सैनिकों की कुर्बानियां और सम्मान ज्यादा ने। उन्हें कहा कि पंजाब में सिर्फ एक एक सैनिक स्कूल कपूरथला विखे स्थित है और हुण सूबे वल्लों गुरदासपुर और बठिंडा में दो होर सैनिक स्कूल स्थापित करने की मांग की गई है। वित्त मंत्री ने दसा कि होरना सूबों जिमें हरियाणा बिहार और महाराष्ट्र में दो दो सैनिक स्कूल ने, जदों के उत्तर प्रदेश में तीन सैनिक स्कूल ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इस संबंधी ढुकवी कार्रवाई करने का भरोसा देंदे कहा कि वह कौमी सुरक्षा और भारत दी समाजिक सभ्याचारक कदर कीमतों की राखी लिए सिखा पंजाबियों वालों निभाई गई भूमिका की निजी तौर उत्ते शलाघा करते हैं। पंजाब भाजपा के सबका मंत्री अनिल जोशी को कारण दसो नोटिस जारी होने बाद पार्टी अंदर कलेश वध गया। नोटिस जारी होने तो खफा हुए अनिल जोशी ने सूबा पार्टी प्रधान अश्विनी शर्मा उत्ते तिखा हमला बोलिया। अनिल जोशी ने कहा कि पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहना है कि अश्विनी शर्मा पंजाब के किसानों के मामले को केंद्र के सामने चंगी तरह नहीं रख सके। अनिल जोशी ने कहा कि पार्टी खिलाफ अज तक उन्होंने कोई गल नहीं कही, सगों पार्टी बचाने की गल कही है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने पाकिस्तान स्थित गुरद्वारा श्री करतारपुर साहब का लांघा मुड़ ना खोलने के मामले में भारत सरकार निशाने उत्ते लिया। उन्हें कहा कि इंज लगता जिमें भारत सरकार ने पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के चरण छोह प्राप्त पाकिस्तान विचले स्थान गुरद्वारा श्री करतारपुर साहब का लांघा केवल संगतों की अखों में घट्टा पाने खोलिया हो। बीबी जगीर कौर ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार को कई बार पत्र लिखे गए हैं, जल्दी ही एक होर पत्र भी लिखा जाएगा। दस दिए कि बीबी जगीर कौर अमृतसर के कस्बा रमदास बाबा बुढ़ा साहब जी के पावन स्थान विखे लंगर हाल से दीवान हाल का उद्घाटन कर लिए पुजे हुए सन। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध अधीन चल रहे श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग वालों स्टार स्टेटस प्रदान किया गया है। कॉलेज की इस प्राप्ति उत्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर और कॉलेज के आनरेरी सकत्र डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा वालों कॉलेज के प्रिंसीपल समूह स्टाफ और विद्यार्थियों को मुबारक दी गई। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश उत्सव संसार भर में बड़ी श्रद्धा और सत्कार नाल मनाया जा रहा है। अज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बख्शिश हुई है कि उन्होंने नाम की जिस तरह लाज होंगी है, जिस तरह बख्शिश होनी होंगी है कि अज जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहिब जिन्हों ये माण प्राप्त होया कि नॉर्थ इंडिया विच स्टार कॉलेज की इन्हों उपाधि मिली है, स्टेटस मिली है। जिथे मैं अज प्रिंसीपल साहब सरदार जसवीर सिंह जी तो पूरे स्टाफ को बधाई दिनी है, उत्थे मैं माण महसूस करती हाँ कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को अज गुरु साहब जी ने बख्शिश की है कि नॉर्थ इंडिया च केवल तीन कॉलेजों ये स्टा जी उपाधि मिली है, ये स्टेटस मिले है। वो जोड़ा पंजाब चो केवल एक पंजाबी यूनिवर्सिटी कह लो ज दूसरी यूनिवर्सिटीज कह लो, सारिया विच्चों केवल एक कॉलेज है जिसनों स्टार कॉलेज का नाम मिले, ये स्टेटस मिले। मैं सारे स्टाफ नूं बधाई दिनी है। कोविड 19 के खात्मे ते लोगों ने इस महामारी तो बचाने लिए अज पंजाब ट्रेड इंडस्ट्री ते व्यापार विंग श्रोमणी अकाली दल पंजाब के सीनियर मीत प्रधान रजिंदर सिंह मरवाहा ते ह्यूमन राइट्स के पंजाब प्रधान बीबी जसविंदर कौर सोहल की अगवाई हेठ समाज सेवी संस्था हैल्पिंग हैंड के सहयोग नाल हलका पूर्वी के इलाका मोकमपुरा गुरद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी विखे कोरोना टीकाकरण की पहली और दूजी डोज लगाने लई मुफ्त वैक्सीन कैंप लगाया गया। इस कैंप में 400 के करीब लोगों का टीकाकरण किया गया।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਖੇ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पेट्रोल ते डीजल दी आसमान छू रही कीमतां ते खेती ते घरेलू बिजली सप्लाई ना मिलने करके जिथे आम लोगों का जीना मुहाल होया पिया उत्थे ही खेतीबाड़ी लई बिजली सप्लाई ना मिलने करके किसानों वालों मजबूरन महंगे पादा डीजल फूक के जनरेटर की मदद नाल मोटर चला के झोने नूं पानी लाया जा रहा है। वख वख थाई किसानों ने पंजाब भर च बिजली की मंग नूं लैके रोस धरने दिते। बटाले के बुद्धिजीवी ते किसान हितैषी शख्सियत रुपिंदर सिंह शामपुरा ने सरकार नूं इस दिक्कत के हल की अपील की है। सिख जथेबंदियों के आगुओं ने पंजाब में हिंदू सिख भाईचारक सांझ नूं बरकरार रखण ते धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण वाले सुधीर सूरी वर्गे लोगों नूं ठल पाउण वास्ते डिप्टी कमिश्नर ते पुलिस कमिश्नर अमृतसर नूं इक मंग पत्र दिता। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान कंवर चढ़त सिंह ते श्रोमणी कमेटी प्रधान मनजीत सिंह की अगवाई में वफद वालों डीसी दफ्तर ते पुलिस कमिश्नर के दफ्तर च पहुंच की गई ते उन्हां मंग पत्र दिता गया। होशियारपुर पुलिस ने एक वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम दिंदिया अंतरराष्ट्रीय ड्रग ते हवाला रैकेट का पर्दाफाश करदिया 20 किलो 700 ग्राम हैरोइन ते 40 लाख 12,000 रुपए ड्रग मनी समेत नशे के धंधे शामिल 6 व्यक्तियों नूं दिल्ली उत्तर प्रदेश ते जंडियाला गुरु तो काबू किया। इस कार्रवाई नाल अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के नाल जिला पुलिस ने अंतरराज्यी नशे की सप्लाई चेन का लक तोड़न में कामयाबी हासिल की है। SSP होशियारपुर नवजोत सिंह माहल ने स्थानक पुलिस लाइन विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस की इस मामले की जानकारी दी। ए कैटागरी के गैंगस्टर रहे कुलवीर नरुआणा नूं ताबड़तोड़ गोलियां मार के कतल करन वाले उसदे ही साथी मनजिंदर मन्ना नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बठिंडा के SSP ने दस्सिया कि मनजिंदर मन्ना जो कि कुलवीर नरुआणा का साथी ही है और थोड़े दिन पहला ही कुलवीर नरुआणा ते मनजिंदर सिंह मन्ना विचाले आपसी तकरार हुई सी, जिस तों बाद अज मन्ना कुलवीर के घर पहुंचे और उसने कुलवीर नूं अपनी फॉर्चूनर कार विच बिठाया, जिस तों बाद कुलवीर उत्ते लगभग 8 राउंड फायर करके उसनूं मौत दे घाट उतार दिता। कुलवीर नरुआणा का साथी चमकौर सिंह भी इस दौरान जख्मी हो गया ते मौके ते दोवां दी मौत हो गई। कुलवीर का तीजा साथी गुरप्रीत सिंह भी इस वारदात में जख्मी होया जिसनूं बठिंडा दे एक निजी हस्पताल में दाखिल करवाया गया। पटियाला की सब्जी मंडी में दिल दहलाऊ वारदात सामने आई है। जानकारी अनुसार दुग्गल फूड के मालिक उत्ते चाकुओं नाल हमला होया जिस नाल उन्हां दी मौत हो गई। घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है जिस कुछ व्यक्ति दुग्गल फूड कंपनी के मालिक उत्ते हमला करते दिखाई दे रहे हैं। मरण वाले व्यक्ति की पत्नी के अनुसार पैसों के लैण देण नूं लैके इन्हां दी आरोपी दे नाल बहस हुई सी, लेकिन मामला 8,000 रुपए में हल हो गया पर आरोपियों वालों दिमाग में रंजिश रख के उन्हां उत्ते हमला किया गया। लुधियाणा के केचलू नगर में जैन मंदिर के बाहर उस वेले हफड़ा दफड़ी का माहौल बन गया जदों वाटर कूलर विचों पानी पीण लगे एक लड़की की अचानक मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार मृतक लड़की 8वीं जमात की विद्यार्थन से उसकी माँ घर में काम करती सी, स्कूल बंद होने के कारण वह अपनी माँ के नाल मदद लई चली जाती सी। अज भी वह अपनी माँ के नाल काम करवा के घर वापस जा रही थी कि प्यास लगने कारण राह में लगे वाटर कूलर को रुक गई। इस दौरान वाटर कूलर में अचानक करंट आ गया तो इस करंट का झटका लड़की को लगे जिस कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। कदी कदी मजाक इंसान लिए किन्ना महंगा पै सकता है इंसान सोच भी नहीं सकता। ताज़ा मामला मोगा जिले के पिंड वैरुके का है जिथे पति पत्नी आपस च एक दूजे नाल मजाक मजाक च पुछ बैठे कि एक दूजे लिए की कर सकते हैं अते मजाक मजाक च गल्लां गल्लां च दोहां ने गलासां च कोल्ड ड्रिंक पाउण दे नाल चूहे मार दवाई पा ली अते उस तों बाद पी गए जिस कारण उन्हां दी सेहत खराब हो गई ते दोहां नूं निजी हस्पताल विच दाखल करवाया गया जिथे पत्नी की मौत हो गई जदकि पति अजे भी जेरे इलाज है। अमृतसर च वार्ड नंबर 57 डैमगंज सेवक सभा वालों धार्मिक समागम करवाया गया। इस मौके लगाए गए विशाल लंगर उत्ते ठंडे मिठे जल की छबील वंडी गई। इस मौके प्रदीप सिंह वालिया कुलविंदर सिंह काला वालिया प्रभु खोसला मनी साबी ललित पलवान होर मैंबर मौजूद रहे। सो अज लई फास्ट न्यूज़ विच इन्ना ही, तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम TV। धन्यवाद।